बहुत बहुत स्वागत है आज आप यहाँ पे आए हमारी आवाज़ उठाने के लिए, आवाज़ बनने के लिए। मेरे साथ हमारे टीम के यूथ कांग्रेस के साथ ही जहांजेब जी जो नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं यूथ कांग्रेस के, वाइस प्रेसिडेंट रिकी डल्होत्रा जी, लतीश जी जो सचिव हैं प्रदेश यूथ कांग्रेस के, दिव्यांश जी जो सचिव हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू के हैप्पी रंधावा जी, सभी यहाँ पे हैं। और आज हम यही आवाज़ आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, इससे जो नुकसान हमारी देश की आर्मी को, सेनाओं को हो रहा है, उनसे सबसे पहले तो हमारी आर्मी का स्वाभिमान, परंपरा और अनुशासन में सबसे ज़्यादा ठेस पहुंच रही है। और ये जो 4 साल का टेम्प्रेरी पैकेज, ये जो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बनाने की बात कर रहे हैं फौजों को, इससे एक ही संदेश जा रहा है, हमारे देश की सुरक्षा को ख़राब हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है। और कितनी आर्मी के एक्सपर्ट्स का, मिलिट्री के एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये जो स्कीम है ये देश के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि कितनी जो नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें इतनी टेक्निकल जो पोस्टें होती हैं, टेक्निकल जो काम होते हैं, कम से कम 1.5-2 साल का समय तो उनको सीखने में लग जाता है। तो 2 साल में जो एक युवा जिस काम को सीखेगा, उसके बाद 2 साल की नौकरी करके फिर वापस चला जाएगा, ये कहाँ का न्याय? ना ही उस युवा के साथ न्याय है, और इससे हमारी देश की जो आर्मी है वो भी कमज़ोर होगी, उसके साथ भी न्याय नहीं है। और यहाँ तक अग्निपथ स्कीम की बात करें, अगर जितने युवा वहाँ पे जाएंगे उससे 25% रिटेन होंगे, बाकी सब घर वापस आ जाएंगे। और जो 4 साल की उनकी नौकरी है, पहले 3 साल में 30,000 की उनको सैलरी मिलेगी हर महीने, उसके बाद आखिरी साल 40,000 मिलेगा, और फिर बाद में 5 लाख देकर उनको घर भेज दिया जाएगा। और इन जो देश की सेवा करने जा रहे हैं, जिनको अग्निपथ वीर कह रहे हैं, ना इनको पेंशन मिलेगी, ना इनको आर्मी का रैंक मिलेगा, और ना इनको कैंटीन, जो आर्मी कैंटीन के बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम बीजेपी सरकार भारत के युवाओं को कर रही है, इसलिए युवा बेवकूफ़ नहीं है जो सड़कों में है। 2,50,000 से ज़्यादा पोस्टें, रेगुलर पोस्टें, तीनों विभाग जो हैं फोर्सेस के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनके 2.5 लाख से ज़्यादा पोस्टें, रेगुलर पोस्टें जिसमें अफसरों की पोस्टें हैं, ये खाली हैं। अगर बीजेपी जो तर्क दे रही है कि हमें युवाओं को रोजगार देना है, तो 2 साल से आपने भर्ती बंद की हुई है, 2.5 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, आपने क्यों नहीं भरी? आपको अगर इतना ही युवा का बात थी, युवा की चिंता थी, तो आपको ये 2.5 लाख पोस्टें पहले भरनी चाहिए थी, आपने यह ना भरकर आप टेम्परेरी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड फोर्स को बनाने चले गए। पिछले 2 साल से जो भर्ती है वो बंद है, काफ़ी लोग जो भर्ती बंद है उसमें कितने युवाओं ने सुसाइड किया है, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया, और पूरे देश भर में युवाओं ने सुसाइड किया, क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने भर्ती बंद की थी, और उसके बाद जो ये स्कीम लाए हैं अग्निपथ के नाम पे, उसके कारण भी रोष ही बढ़ा है युवाओं के अंदर, जिससे पूरे देश भर में आप जो है न्यूज़ सुन रहे हैं। तीनों आर्मी के चीफ, तीनों फौजों के चीफों को बाहर आके इस स्कीम के लिए सफाई देनी पड़ रही है। साथियों, स्कीम लाए सरकार, गलत काम करे बीजेपी सरकार, और उनकी सफाई देने के लिए तीनों जो हमारे चीफ हैं फोर्सेस के, उनसे स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और उनसे सफाई दिलवा रहे हैं, ये कैसी सरकार है? हम पूछना चाहते हैं बीजेपी सरकार से, जब ये अग्निपथ स्कीम आपने लाई, तो इन तीनों आर्मी चीफ जिनको बुला रहे हो, इन तीनों फोर्सेज से क्या कोई सजेशन आया था कि आप हमारी आर्मी को टेम्परेरी कर दो? और सबसे बड़ी बात, हमें गर्व है इंडियन आर्मी में, हमें गर्व है अपनी मिलिट्री फोर्सेस में, आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, चाहे कारगिल हो, चाहे पाकिस्तान के साथ कितनी लड़ाइयाँ हो, चाहे बांग्लादेश को एक नया देश बनाया वो इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस ने बनाया, कुछ ऐसा आपको उसमें मजबूरी या कुछ शर्म आ रही थी कि आपको जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, भर्ती का सिस्टम है, उसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी थी? आपको किसको खुश करना था? ये सवाल आपके माध्यम से आज हम इंडियन गवर्नमेंट को कर रहे हैं जो बीजेपी चला रही है। धन्यवाद।